हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू पीपल आर डूइंग फाइन। तो माई सेल्फ दीपक एंड आई वेलकम यू ऑन माई यूट्यूब चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम क्या देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जिसमें आप जो है साइंटिस्ट जी और साइंटिस्ट डी की जो पोजिशंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने जो एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट डी की वैकेंसीज को फिल करना है। तो आज हम देख लेते हैं वो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। तो देखिए, यहाँ पे जो एंगेजमेंट ऑफ फोर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, तो यहाँ पे जो जॉब आपको मिलेगी ये प्योरली और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिलेगी। तो ये जॉब जो है वो टेम्परेरी जॉब है, और ये जो जॉब है इसका कुछ हम इंपॉर्टेंट डिटेल देख लेते हैं। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए नेम ऑफ द पोस्ट मेंशन कर रखा है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ कैटेगरी साइंटिस्ट डी की वन पोजीशन है। अब बात करें इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए नेचुरल साइंस में और एग्रीकल्चर साइंस में, और बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, और बैचलर डिग्री इन मेडिसिन होना चाहिए। अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वहाँ पे आपको जो है 7 ईयर्स का मिनिमम जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर बात करें आपका रेमुनरेशन की या एमोलूमेंट्स की, तो यहाँ पे आपको जो है 50,000 पर मंथ जो है आपका यहाँ पे जो सैलरी वो दिया जाएगा, एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट एंड केसेस एंड टैक्सेस। अब आ गया दूसरा, जो साइंटिस्ट की एक वैकेंसी को यहाँ पे निकाला गया है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। यहाँ पे देखिए मास्टर डिग्री होना चाहिए नेचुरल साइंस और एग्रीकल्चर साइंस में, और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, और बैचलर डिग्री इन मेडिसिन होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास, अगर आपके पास डॉक्टरेट इन नेचुरल साइंस और एग्रीकल्चर साइंस है और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग है, तब भी आप इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपको जो 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन विद नो एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास डॉक्टर डिग्री यानी पीएचडी डिग्री है तो आपको यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रेमुनरेशन की, तो आपको यहाँ पे जो एमोलुमेंट्स दिया जाएगा वो दिया जाएगा 40,000 पर मंथ पर पर्सन एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट एंड टैक्सेस। इसके अलावा देखिए ऐसे ही जो रिसर्च ऑफिसर की जॉब या रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशन को भी यहाँ पे निकाला गया है। साथ ही इन्होंने देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मेंशन कर रखा है, और साथ ही साथ जो एक्सपीरियंस है वो मेंशन कर रखा है, और जो साथ में यहाँ पे आपको रेमुनरेशन मिलेगा वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। साथ ही साथ देखिए यहाँ टेक्निकल ऑफिसर की भी वैकेंसी को निकाला गया है, और रिसर्च इन्वेस्टिगेटर की वैकेंसी को भी निकाला गया। तो देखिए वन वैकेंसी फॉर रिसर्च ऑफिसर और रिसर्च असिस्टेंट, और साथ ही साथ जो टेक्निकल ऑफिसर या रिसर्च इन्वेस्टिगेटर की जो है उसकी भी वन वैकेंसी है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इन्होंने एज मेंशन कर रखा है, तो एज यहाँ पे नॉट मोर देन 35 ईयर्स होनी चाहिए, और जो एमोलूमेंट्स यहाँ पे आपको मिलेगा वो मिलेगा 40,000 पर मंथ पर पर्सन एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट एंड टैक्सेस। ठीक है, तो ये जो मैं बता दूँ, ये जो अपॉइंटमेंट आपका रहेगा ये प्योरली जो है टेम्परेरी रहेगा, और ये किसी भी टाइम जो है कैंसिल किया जा सकता है। तो आपका अगर टेन्योर जो है कंप्लीट हो गया रहेगा तो ये आपको ये जॉब जो है छोड़नी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे आपको बात की लीव की, तो आपको यहाँ पे जो 8 डेज की लीव मिलेगी एनुअली, तो एनुअली जो है यहाँ पे आप जो है 8 डेज की लीव ले सकते हैं। इसके बाद जो है आपको जो है कोई भी यहाँ पे डी ए टी ए बोनस रिटायरमेंट बेनिफिट लीव ट्रेवल कंसेशन पर्सनल स्टाफ, तो ये सारी जो भी लाइक सुविधा है वो सब यहाँ पे आपको नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप ये जो फॉर्म है उसे सबमिट करना चाहते हैं तो आप जो है सर्विस प्रोवाइडर में सबमिट देयर कोटेशन अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अपना जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये सब जो है आपको मेल करना है ro.moef@gov.in। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना जो भी CV या जो भी आपके पास टेस्टिमोनियल से उसे सेल्फ अटेस्ट करिए और मेल कर दीजिए इस मेल ID पे। ठीक है, आप बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसा होगा, तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो है आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू जो है आपका यहाँ पे जो है सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आप जो है इस जॉब के लिए, देखिए यहाँ पे एनेक्जर 1 पे मेंशन कर रखा है, तो आपको ये सारा जो फॉर्म है वो फिलअप करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट ये सब जो वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका कोई है तो वो भी आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे टर्म और रेफरेंसेज भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, और मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे जो है पेमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी लाइक डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कुछ तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपके साथ सब डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देख लूँगा कोई पॉइंट। देखिए रेफरेंस का मैंने आपसे बता दिया कि आपको यहाँ पर 2 रेफरेंसेज जो है वो देने पड़ेंगे, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपसे आपकी हेल्प करूंगा। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।